नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल बेस्ट पेनी स्टॉक में। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ 20 रुपया 45 पैसा 2008 में ट्रेड कर रही थी इस कंपनी का शेयर। आप देख सकते हैं 2008 में, तब धीरे धीरे इस कंपनी का ग्रोथ होने लगा। तो यहाँ पर आप देखें 350 से भी एवव का इसका अपर सर्किट लगी थी 9 फरवरी 2018 को। फिर इसमें डाउनफॉल देखने को मिला था, आप यहाँ देख सकते हैं डाउनफॉल आई थी इसमें। तो यहाँ देखें डाउनफॉल 69 रुपीज़ देखने को मिला था 8 मई 2020 को। फिर अपर सर्किट लग रही है, तो आप यहाँ देखें अपर सर्किट लगा चुकी है जो कि 291 रुपया पर ट्रेड कर रही है 9 नवंबर 2019 को। आज की बात कर रहा हूँ, कल की बात कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था। डाउनफॉल होने के बावजूद फिर भी अपर सर्किट लगा चुकी है जो कि काफ़ी अच्छा इसका ग्रोथ रेट देखने को मिला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है इस कंपनी में, जिसका ऑल टाइम्स रिटर्न्स की बात करूँ तो आप यहाँ देखें ऑल टाइम्स रिटर्न्स 646.54% अपर पास सर्किट रिटर्न्स दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। और आप यहाँ देखें 5 ईयर्स के दौरान आप देखते हैं 173.1% अपर सर्किट लगाई थी, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देखने को मिला है। और 1 ईयर्स के दौरान देखें तो यहाँ से देखें 142% का अपर पास सर्किट लगा थी, जो कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ रेट है। कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिला था, बट कंपनी ने अपना रिकवर करते हुए काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाई। और वहीं 6 मंथ के दौरान देखें तो यहाँ देखें लगभग 100% के पार लगा चुकी है, लगभग 100% माने तो लगभग 100% इसने काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाई है। तो इस शेयर के बारे में हम बता रहे हैं, ये राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में है। उसका मैं इस वीडियो में जिक्र करेंगे, न्यूज़ क्या आई थी, राकेश झुनझुनवाला ने इस शेयर को चुना जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया 1 साल के दौरान। तो आप यहां देख सकते हैं 1 मंथ के दौरान 7% का अपर पास सर्किट लगी 1 मंथ में। और 5 डेज़ के दौरान देखें तो देख सकते हैं 6% का अपर पास सर्किट लगा चुकी है। और वहीं 1 डेज़ के दौरान देखें तो लगभग 1.5% का। तो ये काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। और ये कंपनी NSE और BSE दोनों पे लिस्टेड है दोस्तों। और यहाँ से देखते हैं इस कंपनी का नाम क्या है, तो आप यहाँ देखें डेल्टा क्रॉप लिमिटेड। ये क्या काम क्या करती है, तो ये काम गेमिंग के क्षेत्र में काम करती है, इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में काम करती है। और इसका मैं लाइव दिखाने वाला हूँ क्या इसका रिस्पॉन्स है इस कंपनी का, तो हर तरह से एनालिसिस करके हम बताएंगे दोस्तों। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो 1 लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो हर तरह से एनालिसिस करने वाले हैं क्या इसका फंडामेंटल है, तो चलिए उस फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा क्रॉप लिमिटेड क्या काम करती है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं करेंटली ऑपरेटर इन द गेमिंग हॉस्पिटल एंड ऑनलाइन स्किल गेमिंग सेगमेंट्स, जो कि काफ़ी अच्छा इसका सेक्टर है, ऑनलाइन काम करती है और ये काफ़ी अच्छा इसका ग्रोथ भी देखने को मिला है। तो यहाँ से देखें NSE और BSE दोनों पे लिस्टेड है दोस्तों। मार्केट कैप 7000 करोड़ से भी एवव का मार्केट कैप है। करेंट प्राइस 291 रुपया, कंपनी ने हाई लगा चुकी है 307 रुपया हाई लगा चुकी है, 117 रुपया लो देखने को मिला था, 117 रुपया से उठकर 307 रुपया पर ट्रेड करी है। PE काफ़ी हाई है, बुक वैल्यू 71.04 रुपया देखने को मिला। डिविडेंड ईयर आप देख सकते हैं 34.34%। ROCE की बात करूँ तो 0.28%, ROE माइनस में देखने को मिला है। फेस वैल्यू 1 रुपया, प्रमोटर 33.3% देखने को मिला है। डेट ऑफ इक्विटी की बात करूँ तो 0.0 देखने को मिला है। और यहाँ नेट प्रॉफिट, कंपनी का नेट प्रॉफिट 7.55 करोड़ इसका नेट प्रॉफिट हो चुका है। वॉल्यूम काफ़ी हाई देखने को मिला है। और सेल्स की बात करूँ तो यहाँ 483 करोड़ का सेल्स दिया है कंपनी ने, जो कि काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स देखने को मिला। वहीं डेट की बात करूँ तो 5 करोड़ का इसका डेट है, 5.30 करोड़ का इसका डेट है, कर्ज है। सेल्स ग्रोथ 2.11% देखने को मिला। रिजर्व में कंपनी ने 18.77 करोड़ का इसका रिजर्व देखने को मिला है, जो कि डेबिट फ्री है, कभी चाह सकती है तो अपना कर्ज चुका सकते हैं 1 मिनट में। तो ये काफ़ी अच्छा इसका मार्केट कैप लगा और इसका क्षेत्र जो भी है काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। यहाँ देखिए तो प्रोफाइल ग्रोथ डेबिट फ्री देखने को मिला है। आप यहाँ देखें कंपनी डेबिट फ्री, यहाँ देखें तो कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिला था, 3 ईयर से लो सर्किट लगा चुकी है। धीरे धीरे कंपनी काफ़ी अच्छा है, गेमिंग ऑनलाइन से है, तो ये अपर सर्किट लगाएगी, काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा इस कंपनी में। तो और थोड़े से एनालिसिस कर देते हैं। यहाँ से देखें तो दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूँ तो यहाँ देखें मार्च 2021, जून 2021, सितंबर 2021 की बात करूँ
मार्च 2021 में 211 का सेल्स था, और यहाँ जून 2021 76, सितंबर 2021 की देखो 75 देखने को मिला है। कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिला है, बट काफ़ी अच्छा इसका क्षेत्र है, तो ये काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। हर तरह से इन्हें एनालिसिस करेंगे दोस्तों। अब चलते हैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ, तो यहाँ देखें प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, थोड़ा सा माइनस में देखने को मिला है, इसीलिए थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला था, जो कि अब धीरे धीरे अपर सर्किट लगाकर कंपनी ने अपना रिकवर करना शुरू किया है। वहीं देखें यहाँ रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर्स में 6%, 5 ईयर्स में 7% और 3 ईयर्स में 6% और लास्ट ईयर में -1%। मतलब इस साल इस कंपनी का काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिला है। वहीं प्रोफाइल ग्रोथ की बात करूँ तो डाउनफॉल देखने को मिला है, और यहाँ सेल्स की बात ग्रोथ की बात करूँ तो 10 ईयर्स में 1%, 5 ईयर्स में 2% और 3 ईयर्स में 12% देखने को मिला। तो आज राकेश झुंझुनवाला का पोर्टफोलियो में इस कंपनी का क्या इसका योगदान है, तो हम इस न्यूज को देखकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए उस न्यूज को क्या है तो उस न्यूज को पढ़ते हैं दोस्तों। देख सकते हैं राकेश झुंझुनवाला का पोर्टफोलियो में इस स्टॉक ने एक साल में दिए मल्टीपल रिटर्न्स। अब क्या इसमें मौका है, तो यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसका इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो यहाँ देखें मेन पॉइंट आपको पढ़ के बताता हूँ। राकेश झुंझुनवाला पोर्टफोलियो के इस शेयर ने निवेशकों को कर की या मालामाल। किसिनो कंपनी डेल्टा क्रॉप के शेयर पिछले एक साल में मल्टीबगर साबित हो चुकी है। इस दौरान इस शेयर 147 रुपया से बढ़कर 288 रुपया 4 पैसा पर पहुंच गए हैं। पिछले एक साल की बात करें तो डेल्टा क्रॉप के शेयर ने 150% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो शेयर मार्केट एक्सपर्ट डेल्टा क्रॉप के मुताबिक बुलिश है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसका इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छा इसका वीडियो स्किप करके आप पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा इसका इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो ये राकेश झुंझुनवाला का पोर्टफोलियो के अनुसार है, तभी मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्या इस कंपनी का शेयर खरीदने लायक है या नहीं, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की बात करूँ तो यहाँ देखें मेन पॉइंट आपको मैं यहाँ इंट्रेंसिक वैल्यू देखें तो डाउनफॉल देखने को मिला है। रिटर्न FDPS देखें तो काफ़ी डाउनफॉल, डिविडेंड रिटर्न, एंट्री पॉइंट गुड देखने को मिला, नो रेड फ्लैग देखने को मिला है, जो कि काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिला है, मेन पॉइंट आपको दिखाता हूँ। फाइनेंशियल ट्रेड देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं पिछले साल काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। 2021 में डाउनफॉल लॉस देखने को मिला, कंपनी को काफ़ी नुकसान हुई है, तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रोफाइल में तो यह काफ़ी अच्छा इसका ग्राफ देखने को मिला है। वहीं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ डाउनफॉल देखने को मिला था, जो कि 2021 में। तो आप इस कंपनी में खुद से एनालिसिस करके एक बार देख लें दोस्तों। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा।